बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग द वाटर वास्कुलर सिस्टम ऑफ एकिनोडर्म्स। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? वाटर वास्कुलर सिस्टम ऑफ फाइलम एकिनोडर्मेटा या एकिनोडर्म के बारे में। इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन देखा था, उसके एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को डिस्कस किया था और उसके साथ साथ उनके हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हम क्या देख रहे हैं, इसका वाटर वास्कुलर सिस्टम। तो इनका जो वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है कंसिस्ट ऑफ मुश्तमिल होता है। और इनका जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है? ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ। ठीक है ना, एम्ब्रियोनिक लाइफ के दौरान इनका क्या होता है, एवोल्यूशन होता है। किस चीज से इवॉल्व हुआ है इनका वाटर वास्कुलर सिस्टम? बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ साइलोम। ठीक है ना, किस चीज से इवॉल्व होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ साइलोम से क्या होता है, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या होता है, ये इवॉल्व हो जाता है इनका जो वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है। और वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है क्या है, इनकी लाइफ के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इसी की वजह से क्या कर सकते हैं, लोकोमोट कर सकते हैं मोस्टली, और फीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखें अगर इनके वाटर वास्कुलर सिस्टम को, तो इसका वाटर वास्कुलर सिस्टम है, इसके अंदर क्या होता है, मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिंग कैनाल। ठीक है, फर्स्ट जो पार्ट होता है इनका वाटर वास्कुलर सिस्टम का, उसे हम क्या नाम देते हैं, रिंग कैनाल का। रिंग कैनाल, ठीक है, इनका वाटर वास्कुलर जो सिस्टम का जो पहला पार्ट होता है उसे क्या नाम दिया जाता है, रिंग कैनाल का नाम दिया जाता है। अब अगर हम रिंग कैनाल की बात करें तो इसने किसको सराउंड किया होता है, माउथ को, सराउंड द माउथ, सराउंड द माउथ। ठीक है ना, माउथ को क्या क्या होता है, इसने सराउंड किया होता है। अगर हम डायग्राम देखें तो ये जो आप क्या है, सर्कुलर सर्कल शेप के अंदर रिंग के अंदर नजर आ रही है, इसने किसको किया होता है, माउथ को क्या होता है, साउंड का, जिसे हम क्या नाम देते हैं, रिंग कैनाल का नाम देते हैं। ये क्या होती है, रिंग कैनाल। ठीक है, रिंग कैनाल जो इसने किसको सराउंड किया होता है, माउथ को क्या किया हुआ होता है, सराउंड किया हुआ होता है। दूसरा जो पार्ट होता है रिंग कैनाल के अलावा, ठीक है, जो दूसरा पार्ट होता है, ठीक है, उसे हम क्या नाम देते हैं, टाइट मैन बॉडीज, टाइट मैन बॉडीज। फिर अब टाइट मैन बॉडीज क्या होती है, दीज आर स्वेलिंग्स, दीज आर स्वेलिंग्स। ठीक है ना, ये क्या होती हैं, स्वेलिंग्स होती हैं, जो कहां पर मौजूद होती हैं, रिंग कैनाल के अंदर ही क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। क्या नाम देते हैं, टाइट मैन बॉडीज का, टाइट मैन बॉडीज। ये जो टाइट मैन बॉडीज है ये भी कहां पर मौजूद है, एसोसिएटेड विद द रिंग कैनाल। ठीक है ना, अब इनका काम क्या होता है, ये जो टाइट मैन बॉडीज होता है, दीज आर द साइट फॉर द फैगोसाइटिक सेल्स। ठीक है ना, दीज आर द साइट फॉर फैगोसाइटिक सेल्स, साइट फॉर फैगोसाइटिक सेल्स। ठीक है, ये फैगोसाइटिक सेल्स की क्या होती हैं, साइट्स होती हैं, यानी फैगोसाइटिक सेल्स को हम क्या कहते हैं, सेरोमिक सेल्स भी कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहा जाता है, सिलोमोसाइट्स भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सिलोमोसाइट्स भी कहा जाता है, या क्या कहा जाता है, फैगोसाइटिक सेल्स भी कहा जाता है। किन को, टाइट मैन बॉडीज के अंदर क्या होता है, इनकी प्रोडक्शन होता है। सो दीज आर द साइट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फैगोसाइटिक सेल्स एंड एसोसिएटेड विद द रिंग कैनाल्स। अब ये जो रिंग कैनाल्स है, इसके साथ एक और कैनाल मौजूद होती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, रिंग कैनाल के साथ स्टोन कैनाल। क्या नाम देते हैं, स्टोन कैनाल। अब स्टोन कैनाल क्या होती है, रिंग कैनाल ओपन आउटसाइड विद द हेल्प ऑफ स्टोन कैनाल। रिंग कैनाल ओपन आउटसाइड विद द हेल्प ऑफ स्टोन कैनाल, ओपन आउटसाइड। ठीक है ना, इसके जरिए रिंग कैनाल जो है वो क्या होता है, आउटसाइड क्या होती है, ओपन होती है। तो ये जो कैनाल है, ठीक है ना, जो क्या कर रही है, रिंग कैनाल इसके जरिए बाहर क्या होती है, ओपन होती है, इसे हम क्या नाम देते हैं, स्टोन कैनाल का। इसे क्या नाम दिया जाता है, स्टोन कैनाल। सेटोन कैनाल इज आल्सो एसोसिएटेड विद द रिंग कैनाल एंड रिंग कैनाल ओपन आउटसाइड विद द हेल्प ऑफ स्टोन कैनाल। अच्छा, नेक्स्ट जो है एक और हिस्सा होता है इसे, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैड्रीपोराइट, जिसे हम क्या नाम देते हैं, मैड्रीपोराइट। ठीक है ना, अब ये जो मैड्रीपोराइट है, दीज आर सीव लाइक स्ट्रक्चर्स,
सीव लाइक, ये किस तरह की स्ट्रक्चर होती है, सीव लाइक, ये जो मेटीपुराइड होती है क्या होती है, सीक लाइक होती है, प्रेजेंट एट द एंड ऑफ स्टोन कैनाल। ठीक है, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, मेटीपुराइड का, इसे हम क्या नाम देते हैं, मेटीपुराइड। ठीक है ना, मेटीपुराइड आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ स्लोल सॉरी स्टोन कैनाल। ठीक है, और ये क्या होती है, सीव लाइक क्या होती है, स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है ना, ये कहाँ पर भी होते हैं, एट द एंड ऑफ स्टोन कैनाल, एक्ट एज इन द लेट ऑफ वाटर। ठीक है ना, किसके तौर पर काम कर रहे होते हैं, एक्ट एज इन द लेट ऑफ वाटर, तो वाटर जो होता है इन्हीं के जरिए क्या होता है, अंदर दाखिल होता है, किसके, स्टोन कैनाल के जरिए, फिर स्टोन कैनाल से होता है कहाँ पर आ जाएगा, रिंग कैनाल के अंदर। तो एक्ट एज, तो ये क्या होते हैं, इन द लेट फॉर वाटर, दीज आर इन द लेट ऑफ वाटर, पानी जो होता है क्या होता है, इन्हीं के जरिए क्या होता है, इंटर होता है, इन्हें हम क्या कहते हैं, दीज आर द इनलेट ऑफ वाटर, तो पानी क्या होता है, इनके जरिए क्या होगा, इंटर होगा, किसके अंदर, स्टोन के नाल, फिर स्टोन के नाल से होता है किस में चला जाएगा, रिंग के नाल। तो मेटीपुराइड क्या होती है, सीव लाइक स्ट्रक्चर होती है, प्रेजेंट एट द एंड ऑफ स्टोन के नाल, ठीक है ना, स्टोन के नाल के एंड पर मौजूद होती है, तो वाटर क्या होता है, इन्हीं के जरिए क्या होता है, इंटर होता है। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, इनलेट के तौर पर क्या कार्य होती है, काम कार्य होती है। अच्छा, इनके अंदर एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है मेटीपुराइड के अलावा, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, पोलियन वेजिकल्स, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, पोलियन वेजिकल्स का, ठीक है, आप पोलियन वेजिकल्स क्या होती हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, किस तरह स्ट्रक्चर होती हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, ये नहीं, ये पोलियन वेजिकल्स होती हैं, क्या होती हैं, सैक लाइक क्या होती हैं, स्ट्रक्चर होती है, और इनका काम क्या होते हैं, यू आर इन द दे स्टोर द फ्लूइड, स्टोर द फ्लूइड। ठीक है, इनका काम क्या होता है, जो वाटर इंटर होता है या फ्लूइड इंटर होता है इनकी बॉडी के अंदर, उनको ये क्या करती हैं, स्टोर करती होती हैं। तो अगर हम बात करें पोलियन वेसिकल्स की, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ठीक है, ये क्या है, पोलियन वेसिकल्स। ये पोलियन वेजिकल्स का काम क्या होता है, दीज आर द स्वेलिंग एसोसिएटेड विद द रिंग कैनाल। पोलियन वेजिकल्स क्या होती हैं, सैक लाइक क्या होती हैं, स्वेलिंग्स होती हैं, ठीक है ना, एसोसिएटेड विद द रिंग कैनाल्स, और इनके अंदर इनका काम क्या होता है, इट्स फंक्शन इज टू स्टोर द फ्लूइड इन द वाटर वास्कुलर सिस्टम। वाटर वास्कुलर सिस्टम के अंदर ये फ्लूइड को क्या कार्य होती हैं, स्टोर कार्य होती हैं। ठीक है, जो पोलियन वेजिकल्स होती हैं। अच्छा, इनके अंदर एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं, एक और स्ट्रक्चर होता है जिन्हें क्या नाम देता है, रेडियल कैनाल्स का, जिन्हें क्या नाम दिया जाता है, रेडियल कैनाल्स। ठीक है ना, तो यहां से क्या होती है, इनके यही जो रिंग कैनाल्स हैं, यहां से क्या होती है, फाइव रेडियल कैनाल्स क्या होती है, ओरिजिनेट होती हैं, रिंग कैनाल से फाइव रेडियल कैनाल्स क्या होती है, ओरिजिनेट हो रही हैं, एंड रीचेस इनटू द ईच आर्म ऑफ द एकाइनोडर्म बॉडी। जैसे सी स्टार जो है उसकी कितनी आर्म्स होती हैं, फाइव आर्म्स होती हैं, तो रेडियल कैनाल्स कितनी होंगी, उसके अंदर फाइव होंगे या मल्टीपल ऑफ फाइव होती हैं, हर आर्म के अंदर एक रेडियल कैनाल क्या होती है, रन कारी होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आप यहाँ पर नजर आ रहा है, ये क्या है, रेडियल कैनाल, ये कौन सी कैनाल है, रेडियल कैनाल। ठीक है ना, ये क्या होती है, हर आर्म के अंदर क्या कार्य होती है, रन कार्य होती है। अगर तो सी स्टार नहीं है या ऐसी कोई बॉडी है, ऐसा कोई एकाइनोडर्म है जिसके अंदर क्या है, आर्म एब्सेंट है, तो वहां पर ये जो रेडियल कैनाल्स हैं एसोसिएटेड विद द बॉडी वॉल्स। ठीक है, वहां पर रेडियल कैनाल किस चीज के साथ एसोसिएटेड होती हैं, बॉडी वॉल के साथ क्या होती हैं, एसोसिएटेड होती हैं। वैसे ये किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट एट द ईच आर्म। अच्छा, रेडियल कैनाल के बाद एक और कैनाल होती है जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, लेटरल कैनाल्स का, जिन्हें क्या नाम देते हैं, लेटरल कैनाल्स। रेडियल कैनाल्स के अलावा एक और कैनाल होती हैं जिन्हें क्या नाम दिया जाता है, लेटरल कैनाल। अब ये जो लेटरल कैनाल हैं ये कहां से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है ना, नहीं, रेडियल कैनाल से। ठीक है, लेटरल कैनाल्स का ओरिजिन कहां से होती है, रेडियल कैनाल से। तो ये जो कैनाल हैं, ठीक है ना, जहां से क्या ओरिजिनेट हो रही है, ये रेडियल कैनाल आ रही है। ठीक है ना, ये जो कैनाल है इसे हम क्या नाम देते हैं, रेडियल कैनाल का। तो यहां से जो ओरिजिनेट हो रही है इस कैनाल को हम क्या नाम देते हैं, लेटरल कैनाल। इसे हम क्या नाम देते हैं, लेटरल कैनाल। लेटरल कैनाल वो कैनाल होती हैं जो रेडियल कैनाल से क्या हो रही हैं, लेटरल साइड पर क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, लेटरल कैनाल्स का। ठीक है ना, एट द एंड ऑफ लेटरल कैनाल क्या मौजूद होता है, ट्यूब फीट होता है। ठीक है, क्या मौजूद होता है, ट्यूब फीट।
in a, at the end of lateral canal or subvallan portion is present या sac like structure मौजूद होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं ट्यूब फीड का क्या दिया जाता है नाम दिया जाता है ये जो है इसे क्या नाम देते हैं ट्यूब फीड का ठीक है ना ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या नाम देते हैं ट्यूब फीड ठीक है ना लेटर कनाल का एक स्ट्रक्चर एसोसिएटेड होता है जहां पर लेटर कनाल एंड हो रही है वो जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम क्या नाम देते हैं ट्यूब फीड का क्या होता है संवालन पोर्शन होता है ठीक है ना फॉर एग्जांपल यहां से मैं अगर आपको दिखा दूं ये क्या है इसका संवालन पोर्शन ये सैक लाइक पोर्शन है इसे हम क्या नाम देते हैं एम्प्योला का इसे क्या नाम दिया जाता है एम्प्योला ठीक है ना ट्यूब फीड के अंदर एक क्या होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं एम्प्योला का अगर हम फंक्शनिंग की बात करें कि ट्यूब फीड किस तरह काम करता है तो पहले तो हम ये देख लें कि ट्यूब फीड क्या है कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है रिंग कैनाल से क्या हो रहा होता है या रेडियल कैनाल से क्या होता है एक्सटेंड हो रहा होता है अब ट्यूब फीड है एंड एट द बल्क लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर ठीक है ना ट्यूब फीड क्या होता है बल्क लाइक की क्या स्ट्रक्चर है मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर यह एंड होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं एम्प्योला का नाम देते हैं ठीक है दोबारा सुने ट्यूब फीड जहां पर एंड होता है वो क्या होता है बल्क लाइक क्या होता है एंडिंग होती है और मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है ठीक है उसे हम क्या नाम देते हैं एम्प्योला का नाम देते हैं किस चीज का नाम देते हैं एम्प्योला अब यही एम्प्योला क्योंकि मस्कुलर स्ट्रक्चर है इसकी कंट्रैक्शन की वजह से वाटर जो होता है क्या होता है इंटर हो जाता है किसके अंदर एम्प्योला के अंदर और एम्प्योला से होता हुआ किस में चला जाएगा ट्यूब फीड के अंदर ठीक है ना और ट्यूब फीड के एंड पर क्या मौजूद होते हैं वाल्व मौजूद होते हैं विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ वाटर ठीक है वाटर कहाँ से आता है स्टोन कैनाल से आएगा वाटर जो इंटर होगा मेट्रोपोलाइट से स्टोन कैनाल से आता हुआ किस में चला जाएगा रिंग कैनाल के अंदर रिंग कैनाल से होता है कहां पर आएगा रेडियल कैनाल के अंदर रेडियल कैनाल से होता हुआ कहां पर जाएगा लेटरल कैनाल और लेटरल कैनाल से फिर किस में इंटर हो जाएगा ट्यूब फीड के अंदर ठीक है ट्यूब फीड के एंड पर क्या होता है वाल्व मौजूद होता है विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ वाटर जैसे ही ये पानी इंटर होगा ठीक है किसके अंदर एम्प्योला के अंदर तो ट्यूब फीड क्या हो जाता है एक्सटेंड हो जाते हैं उनकी लेंथ जो हो जाएगी या इलांगेट हो जाता है या क्या हो जाता है एक्सटेंड हो जाते हैं विच हेल्प फॉर द अटैचमेंट ऑफ बॉडी टू द सबस्ट्रेट ठीक है जो क्या करते हैं जो सी एनिमल्स होते हैं या सॉरी सी एनिमल्स डेरिया से बिलोंग करते हैं सी स्टार जो है ये कैसे क्या होते हैं अटैच हो जाते हैं किसके साथ सबस्ट्रेट के साथ क्या हो जाते हैं अटैच हो जाते हैं तो ये इस तरह क्या करते हैं काम करते हैं अब इनकी फंक्शनिंग कैसे होती है कि पानी एम्प्योला के अंदर कैसे इंटर होता है तो क्या होता है जो ट्यूब फीड है इसकी डिस्टल एंड पर क्या मौजूद होता है सक्शन कप मौजूद होता है ट्यूब फीड का जो डिस्टल एंड होता है वहां पर क्या मौजूद होता है सक्शन कप ठीक है ना वो जो सक्शन कप है वो क्या करता है क्रिएट द वैक्यूम वो क्या करता है वैक्यूम को क्या करता है क्रिएट करता है जिसकी वजह से वाटर क्या होता है रशेज इनटू द एम्प्योला पानी क्या हो जाता है एम्प्योला के अंदर इंटर हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बाद क्या हो जाता है उसका जो फीट होता है क्या हो जाता है इलांगेट हो जाता है उसकी मदद से वो क्या होते हैं सबस्ट्रेट के साथ क्या होते हैं अटैच होते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो ट्यूब फीड जो है ये अगर कुछ के अंदर क्या होता है ट्यूब फीड जो है क्या होते हैं जो सॉफ्ट बॉडीड होते हैं ठीक है ना सॉफ्ट सबस्ट्रेट है वो क्या होते हैं या जो दूसरे कैनोडर्म्स होते हैं उनके अंदर ट्यूब फीड क्या होते हैं पॉइंटेड होते हैं ट्यूब फीड क्या होता है पॉइंटेड होता है और वो क्या कहते हैं सॉफ्ट बॉडीज के अंदर क्या कर देते हैं पेनिट्रेट कर देते हैं या सॉफ्ट सबस्ट्रेट के अंदर क्या कर जाते हैं पेनिट्रेट कर जाते हैं ठीक है ना इसके अलावा ट्यूब फीड का एक और काम भी है इट ऑल्सो शिफ्ट द सैंड ठीक है ना ये सैंडीमेंट से या सैंड को क्या करता है शिफ्ट करता है छानता है किसके लिए फीडिंग पर्पस के लिए ठीक है ना ये क्या करता है शिफ्ट आउट करता है सैंडीमेंट्स को फॉर द फीडिंग पर्पस ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम अच्छा पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ ठीक है ना ये जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है मुख्तलिफ हिस्से होते हैं इसके ठीक है ना पहला जो पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं रिंग कैनाल बोलते हैं ये जो है नजर आ रहा है इसे हम क्या बोलते हैं रिंग कैनाल फिर इसी रिंग कैनाल के साथ क्या एसोसिएट होती है स्टोन कैनाल प्रेशर अगर पानी कम होता है तो वाटर ब्लास्ट क्या करती है इक्वलाइज करती है पानी दोबारा क्या होगा इंटर होगा अब मेट्रोपोलाइट के साथ पानी क्या होगा इंटर होगा किसी ट्यूब फीड जो है ठीक है ना सॉरी जो रिंग कैनाल है इसके अंदर एक और स्वेलिंग पोर्शन मौजूद होता है स्वेलिंग बॉडी मौजूद है जिसे हम क्या देते हैं टाइट मैन बॉडीज का नाम देते हैं और ये क्या दीज आर द साइट फॉर द फैगोसाइटिक सेल प्रोडक्शन ठीक है ना इसके साथ ही जो रिंग कैनाल है एक और सैक स्ट्रक्चर एसोसिएटेड होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं पोलियन वेसिकल जो फ्लूइड होता है रिंग कैनाल का वो यहाँ पर क्या हो जाता है स्टोर हो जाता है किसके अंदर पोलियन वेसिकल इसके साथ ही जो रिंग कैनाल है इससे फाइव कैनाल्स क्या होते हैं ओरिजिनेट होती हैं जिन्हें हम रेडियल कैनाल का नाम देते हैं इन रेडियल कैनाल से क्या होते हैं लेटरल कैनाल ओरिजिनेट होती हैं विच एंड एट द ट्यूब फीड
ट्यूब फिट के क्या होते हैं, एंड पर क्लोज मौजूद है ताकि बैक प्रिवेंट कर सकें बैक फ्लो ऑफ वाटर। इसका ये जो एंड होती हैं क्या होते हैं, बल्ब लाइक एंडिंग के अंदर क्या होते हैं, एंड होते हैं जिसे हम क्या नाम देते हैं, एम्ब्रियोला का नाम देते हैं। तो ये क्या थी एनाटॉमी क्या थी किसकी, वाटर वास्कुलर सिस्टम की। नेक्स्ट अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम, अगर हम फंक्शंस की बात करें वाटर वास्कुलर सिस्टम के फंक्शंस की बात करें तो ये किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं। पहले हम देखते हैं इनके फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम, फंक्शंस की अगर बात करें हम, फीडिंग में भी क्या होता है इन्वॉल्व होता है, लोकोमोशन में इन्वॉल्व होता है, इसके साथ साथ और किस चीज में इन्वॉल्व होता है, फीडिंग में प्रोसेस में क्या होता है इन्वॉल्व होता है, इसके साथ साथ आल्सो इन्वॉल्व फॉर द गैसियस एक्सचेंज। किस चीज में इन्वॉल्व होता है, गैसियस एक्सचेंज में भी क्या होता है ये इन्वॉल्व होता है, आल्सो इन्वॉल्व इन द वाटर वास्कुलर सिस्टम, आल्सो इन्वॉल्व इन द गैसेस चेंज। तो ये गैसेस चेंज में भी क्या होगा इन्वॉल्व होगा, लोकोमोशन में इन्वॉल्व होता है, फीडिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, और किस चीज में इन्वॉल्व होता है गैसेस चेंज। इसके साथ साथ आल्सो इन्वॉल्व इन, आल्सो इन्वॉल्व फॉर द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट, फॉर द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट, ठीक है। तो ये क्या है इनके फंक्शन है, लोकोमोशन में इन्वॉल्व होता है, फीडिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है, आल्सो इन्वॉल्व इन फॉर द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट। क्योंकि गैसेस एक्सचेंज में क्यों इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसके अंदर जो कैनाल होते हैं क्या होते हैं, सॉफ्ट होती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करती है डिफ्यूजन के लिए गैसेस के प्रोसेस को क्या करती हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे रिमूव करेंगे, ऑक्सीजन को क्या करेंगे वाटर से एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके साथ साथ जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो भी डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या हो जाता है रिमूव हो जाता है, जहाँ ये क्या होता है वाटर इनलेट के जरिए, क्योंकि पानी इंटर भी हो रहा है वापस भी जा रहा होता है, तो वाटर के जरिए क्या होती है नाइट्रोजन वेस्ट होता है वो भी क्या हो रहा है रिमूव हो रहा होता है। और इनका जो मोस्टली जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है किस चीज पर मुश्तमिल होता है, अमोनिया के ऊपर क्या होता है मुश्तमिल होता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडे टॉपिक। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, वाटर वास्कुलर सिस्टम को उसका स्ट्रक्चर देखा है, उसके फंक्शन देखे हैं। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।